हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 इंग्लिश क्लास 3rd लेसन द बलून मैन। ओके, डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या किसी बलून मैन ने, गुब्बारे वाले ने आपके मार्केट को विजिट किया है? मतलब आपने मार्केट में किसी भी गुब्बारे वाले को देखा है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। हमें देखना है इस पोयम में कि ये जो गुब्बारे वाला है वो अपने साथ क्या लेकर आता है। जैसे आइसक्रीम मैन होते हैं तो वो आइसक्रीम्स लेकर आते हैं, है ना। खिलौने वाला होता है, वो खिलौने लेकर आता है। ऐसे बलून मैन होते हैं तो वो अपने साथ बलून्स लेकर के आते हैं, गुब्बारे। यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक आदमी है जिसके पास बहुत सारे गुब्बारे हैं, कलरफुल रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, और एक पक्षी है जो गुब्बारे खरीद रही है। He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. ठीक है, तो एक गुब्बारे वाला होता है और वो मार्केट में आता है, जब बाज़ार लगता है तो बाज़ार में वो आता है और अपने हाथों में वो बलून्स पकड़ा होता है, बहुत सारे बलून्स जो गुच्छों में होते हैं, बंच में। ठीक है, बंच ऑफ बलून्स, तो एक गुच्छे में बहुत सारे बलून्स होते हैं, तो वो लेकर के आता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और जो मार्केट में, बाज़ार में जो चौराहा होता है, जो कोई चौक जैसा या कुछ स्क्वायर जैसा बना होता है जहाँ पे वो बंदा खड़ा होकर के बेचता है, वो जो आदमी होता है गुब्बारे वाला, वो बेचता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो कभी भी खाने के बारे में, लंच के बारे में नहीं सोचता। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड वेन इट इज़ अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन यू सी देम शाइनिंग फार अवे। तो उसके पास जो बलून्स हैं वो रेड कलर के हैं, पर्पल हैं, ब्लू, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स के उसके पास बलून्स होते हैं जो वो अपने पास रखा होता है। ठीक है, और जब सनी डे होता है, मतलब चमकीला दिन होता है बहुत ही ज़्यादा, तो जो कार्ट होता है ना, उसकी गाड़ी होती है, और जो लोग होते हैं वो बिल्कुल दूर से ही चमकने लगते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। और जो होते हैं, कुछ बलून्स छोटे होते हैं साइज़ में, कुछ बड़े होते हैं, है ना। बहुत तरह के बलून्स होते हैं, जैसे कुछ शेप बना होता है, हर्ट शेप, टेडी बियर शेप, है ना, बहुत तरह की कार्टून शेप की भी बलून्स आपको अवेलेबल होती हैं बलून मैन के पास। तो इस ये जो बलून मैन है, उनके पास ये बहुत सारे बलून्स हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। और जितने भी बलून्स हैं, वो सारे के सारे जो बलून्स हैं ना, गुब्बारे, वो एक धागे से बंधी होती हैं। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और अगर थोड़ी सी भी हवा चलने लगती है या हवा होती है, तो जितने बलून्स होते हैं वो आपस में खिंचतान होने लगता है, खींचातानी होने लगती है, बलून्स इधर उधर भागने लगते हैं ना, धागे में उलझने लगते हैं। सो समडे परहैप्स ही लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। तो ये बच्ची सोच रही है कि काश कोई दिन ऐसा आएगा शायद, कि जो बलून मैन है वो अपने जितने भी बलून्स हैं, गुब्बारे हैं, सबको वो छोड़ देगा हवा में उड़ने के लिए, जो बहुत दूर तक जाएंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई। और हम लोग नीचे से खड़े होकर देखेंगे, वो जितने भी बलून्स हैं वो आसमान में उड़ते रहेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे उड़ते उड़ते, और हम लोग नीचे से बस ये देखेंगे कि बलून्स जो है ना, वो आसमान में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, और बहुत ही वो प्रेटी लगेगा, वो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, तो बलून्स खरीद कर और जो बंच होता है बलून्स का, उसे छोड़ देते हैं आसमान में उड़ने के लिए, और उड़ता हुआ जो बलून होता है, गुब्बारा आसमान में जा रहा है, उसे देखकर बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। तो ये ऐसी इसकी इमेजिनेशन है। तो इसमें न्यू वर्ड्स आपको हैं, बंच, स्क्वायर, सनी एंड टग। तो बंच मतलब होता है गुच्छा या झुंड, ठीक है। स्क्वायर मतलब होता है चौराहा, सनी मतलब होता है चमकीला, है ना, और टग मतलब होता है उलझना, खींचतान। ठीक है, तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है, और इस लेसन को आपको रिमेंबर करना है, पोएम को 4 लाइंस 8 लाइंस, है ना, जितने भी आपसे पॉसिबल हो सके, और जो न्यू वर्ड्स हैं उसको आप लर्न करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।